हिंसा मणिपुर में, जी हाँ, मणिपुर की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इम्फाल वेस्ट में हुई फायरिंग में सेना का एक जवान जख्मी हुआ। एक दिन पहले हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना ने फ्लैग मार्च किया था। इम्फाल में एक दिन पहले महिलाओं ने मशाल निकालकर हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया था और अब लोग सड़कों पर उतरकर शांति बहाल करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। मणिपुर के इम्फाल में कांगपोखली में फिर हिंसा की खबरें सामने आ रही है। भीड़ ने सेकमाई इलाके में यह हिंसा की है। सुरक्षा बल की तैनाती, भारी तैनाती एक तरीके से कहिए तो वहां पर है, लेकिन बावजूद इसके हिंसा रुक नहीं रही है। एक बार फिर से एक अलग इलाका जहां पर हिंसा हुई, हेंगजोंग इलाके में फायरिंग तक की खबर है। अक्षय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, तमाम प्रयास हो चुके हैं, बार अभी तक हो भी रहे हैं कि हिंसा रोकी जाए, लेकिन इस पे लगाम ही नहीं लग पा रहा है। अलग अलग इलाके अब इससे प्रभावित हो रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है आपने अर्पिता, अगर बात की जाए फायरिंग की तो ये सिर्फ एक इंसिडेंस नहीं है, बल्कि कल मैं एक इलाके में मौजूद था वेस्ट इम्फाल में, वहां मैंने खुद भी फायरिंग की आवाजें सुनी, वहां पर बीएसएफ तैनात थी। और अगर पूरे मणिपुर की बात की जाए तो हालात इतने खराब है कि लोग अपने घर से निकलने से भी डर रहे हैं। कर्फ्यू का टाइम बीच में बढ़ा दिया गया था, उसको कम कर दिया गया है और अब देखा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन तक के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं। कल स्पीयर कोर का आर्मी के एक जवान के ऊपर हमला हुआ, उससे दो दिन पहले आर्मी का एक कॉन्वॉय था जो एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था आसाम राइफल और भारतीय सेना का, उनके ऊपर, उनकी गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए। तो इस तरह से लगातार हमला अब सिर्फ लोग आपस में एक दूसरों के ऊपर नहीं कर रहे बल्कि आप सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर भी कर रहे हैं, सरकार के ऊपर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। आर के रंजन जो खुद एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एक्सटर्नल अफेयर्स के, उनका घर जला दिया गया। निमचा किपगेन करके एक मंत्री है मणिपुर सरकार में, उनके सरकारी क्वार्टर में आग लगा दी गई। तो अब गुस्सा सरकार की तरफ और कहीं ना कहीं उसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ भी लोगों का बढ़ रहा है। और इसका जेनेसिस ये है, इसका अगर ओरिजिन की बात की जाए वो ये है कि 45 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, इंटरनेट बंद है, अब लोग स्कूल में, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने रोजमर्रा के काम नहीं बिल्कुल कर पा रहे हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं मणिपुर की स्थिति को देखते हुए, और बावजूद इसके अभी तक हालात काबू में क्यों नहीं आए, ये भी एक बड़ा सवाल है। हिंसा से परेशान लोग अब अपनी सुरक्षा के लिए खुद इंतजाम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता जिनसे हम बात कर रहे थे, अक्षय डोंगरे, उन्होंने पश्चिमी इम्फाल के गांवों का दौरा किया। अब जरा आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं। इस वक्त हम मणिपुर के वेस्ट इम्फाल जिले में मौजूद है और सिंगदा गांव में इस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और सिंगदा गांव इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कुकी और मैती समुदाय के इलाकों के बीच का आखिरी मैती गांव है, और किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजामों की जिम्मेदारी अब लोगों ने अपने खुद पर ले ली है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस वक्त जिस तरह से कोई भी गाड़ी इन इलाकों में आती है, लोगों ने वॉलंटियर ग्रुप बनाकर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। हर गाड़ी की जांच की जाती है और लोग खुद अपनी सुरक्षा के चलते गाड़ियों की जांच करते हैं, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कुछ कोई चीज, हथियार या फिर ऐसे कोई लोग अंदर ना घुस जाए जो शांति व्यवस्था को यहाँ खराब करे। ना सिर्फ चेकिंग की जिम्मेदारी बल्कि सुरक्षा की जिम्मेदारी भी, अपनी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी लोगों ने खुद ले ली है, हथियार लोगों ने उठा लिए हैं। ये बंकर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गार्ड्स रहते हैं वो लगातार चाक चौबंद सिक्योरिटी के साथ रहते हैं, और पूरी सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ज्यादा वक्त तक ऐसा पीस का माहौल नहीं रहता है, लगातार गोलीबारी होती रहती है, लगातार आगजनी की घटनाएं भी होती रहती है, और इसीलिए सारा वक्त सिक्योरिटी रखना लोगों की जिम्मेदारी। ये एक तरह से ट्रेंच बनाया गया है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बंकर है जहां पर लोग अपनी खुद सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। अभी इन लोगों से बात करेंगे। सर, एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, यहाँ पर लगातार गोलीबारी हो रही है, तो किस तरह से आप लोग अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग गाँव वालों की और जो एक तरह से प्रोटेक्शन की बात की जाए वो किस तरह से कर रहे हैं? हम लोग ये गाँव का वॉलंटियर लोग है, हम लोग अभी हम लोग का ये गांव का हम लोग प्रोटेक्शन कर रहा है क्योंकि सेल्फ डिफेंस हो रहा था, क्योंकि कुकी जो हमेशा के लिए वो जो कुकी मिलते लोग ने हम लोग का जो मैत्री कम्युनिटी को बार बार हम लोग को ये अटैक करता था, इसलिए बाई चांस ये हमारा जो ये अभी हम लोग ने मैं इधर पे रखा था क्योंकि हम लोग का लास्ट एंडिंग पॉइंट है हमारा गांव का, इसलिए हम लोग हमेशा के लिए अलर्ट में रहता था हम लोग। तो जिस तरह से ये अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए हुए हैं लोगों की अपनी अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसे कई सारे बंकर
जगह जगह पर बनाए गए हैं और लोगों की पिछले 45 दिनों से यही उम्मीद रही है कि न्याय व्यवस्था शांति राज्य में वापस आए, लेकिन 45 दिन हो चुके हैं, लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही है, तो ऐसे में लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार के ऊपर भी है। फोर्सेज काफी ज्यादा डिप्लॉयड है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो या फिर असम राइफल्स और या फिर BSF की तरह अन्य सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, लेकिन हालात काबू में आने के लिए अभी लंबा वक्त लगेगा, ऐसे लोगों का विचार भी है और ऐसे अंदेशे भी आ रहे हैं। लगातार गोलीबारी की घटनाएं हो रही है और ऐसे में कितना वक्त लगेगा इसके अंदेशे को देखते हुए लोगों ने खुद हथियार उठाकर अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मणिपुर में खुद लेना शुरू कर दिया है। इम्फाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ में अक्षय डोंगरे आज तक।